चैप्टर नया शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, मोशन एंड फोर्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? फोर्स के बारे में, ठीक है। एक बात आपको समझने की जरूरत है कि नॉर्मली हम जब इस दुनिया का मुताला करते हैं, चीजों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि जो चीजें जानदार होती हैं वो हरकत करती हैं, और जो जानदार नहीं होती वो अपने तौर पर हरकत नहीं करती। इसका मतलब है हरकत की सलाहियत का ताल्लुक जान से है। जान का मतलब रूह, नफ्स। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, डेस्क है वो हरकत नहीं करेगी, उसमें जान नहीं है, सही है। तो जब शुरू में हरकत को समझने की कोशिश की गई और गौर करना शुरू किया गया, तो लोगों ने ये समझ लिया कि हरकत के लिए जरूरी है कि जान हो, सही है। बाद में बोला नहीं, ऐसा नहीं भी होता, हवा से भी चीजें हरकत करती हैं। क्या हवा में जान होती है? पानी से भी चीजें हरकत करती हैं, तो क्या पानी में जान होती है? सही है। और ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? तो फिर ये बात तय हुई कि नहीं जनाब, हरकत करने के लिए जरूरी है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो। क्या अप्लाई हो रही हो? फोर्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में फोर्स को। फोर्स क्या होती है? उर्दू में कहते हैं कुव्वत। बहुत अहम टॉपिक है फोर्स। कुव्वत क्या होती है? सही है। जब कोई चीज रुकी हुई है तो उसको उसकी हालत बदलने के लिए, यानी रुकी हुई चीज को हरकत देने के लिए और हरकत करती हुई चीज को रोकने के लिए, जो आमिल शे लगाते हैं आप, जो एक्सटर्नल चीज लगती है, उसे फोर्स कहते हैं। रुके हुए जिस्म को हरकत देने के लिए और हरकत करते हुए जिस्म को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल चीज लगाई जाती है, सही है, उसे आप क्या कहते हैं? फोर्स। या वो चीज जो रुके हुए जिस्म को हरकत में तब्दील कर दे और हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक दे, उस आमिल शय को, उस एक्टिंग चीज को, उस एक्सटर्नल चीज को आप क्या कहते हैं? फोर्स। ये बात आपकी समझ में आ गई? ये नहीं आ गई। जैसे कोई गाड़ी चली आ रही हो, मुझे उसको रोकना हो, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। या कोई गाड़ी खड़ी हुई है, मुझे उसको चलाना हो, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। सही है। तो वो आमिल शय, वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या एक्सटर्नल फेनोमिना जो किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में कन्वर्ट कर दे, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कन्वर्ट कर दे, वो एक्सटर्नल फेनोमिना फोर्स कहलाता है। वो आमिल शय, वो अमल करने वाली चीज जो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आए और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कन्वर्ट कर दे, उस एक्सटर्नल फेनोमिना को आप क्या कहते हैं? फोर्स। इसको ऐसे हम बताएंगे, किसी को बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसको आपको दूसरे अंदाज से भी जो है वो सोचने की जरूरत है। वो ये कि देखिए, अच्छा, इससे फिर वो वाली बात भी प्रूव हो जा रही है कि हवा जो है चीजों को हरकत दे रही है, तो हवा में भी क्या है? फोर्स है। हवा फोर्स लगाती है। आप साइकिल चला रहे हो, हवा की मुखालिफ सिंध में आपको लगता है कि वो आपको रोक रही है, या मुखालिफ सिंध में नहीं, उसी सिंध में चलाते हैं तो लगता है कि वो आपको धक्का दे रही है। तो हवा के अंदर भी फोर्स लगाने की एबिलिटी मौजूद है, पानी के अंदर भी है, पानी भी चीजों को हरकत दे देता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हम कह सकते हैं कि पानी में भी
फोर्स है और हवा में भी फोर्स है, इंसानों में तो है फोर्स, ठीक है, जानवरों में भी फोर्स होती है, इंसान जानवर तो जान रखते हैं, जिसमें जान होती है उसमें फोर्स होती है, वो फोर्स लगाने की एबिलिटी, वो हरकत करती हुई चीज़ को रोकने की सलाहियत रखता है और रुकी हुई चीज़ को हरकत देने की सलाहियत रखता है। ये बात आपको समझ में आ गई, फोर्स क्या क्या आइडिया हो गया, फोर्स क्या होती है, सही है, हरकत देने का फेनोमिना या हरकत से रोकने का फेनोमिना, रुकी हुई चीज़ को हरकत देने के लिए दरकार चीज़, हरकत करती हुई चीज़ को रोकने के लिए दरकार चीज़ फोर्स कहलाती है, वो चीज़ जिसकी मदद से आप रुके हुए ऑब्जेक्ट को हरकत में लाते हैं और हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकते हैं, उस चीज़ को आप कहते हैं फोर्स। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, यहाँ पर हम तारुफ करा रहे हैं आपका न्यूटन से, ठीक है। न्यूटन एक साइंटिस्ट गुजरे हैं और न्यूटन का नाम जब भी आप लें अदब से लें, ठीक है, क्योंकि दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है और जो हमारे लिए जिन्हें हम सलूट करते हैं, जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, काबिल एहतराम हैं, ठीक है। एक फिज़िक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को जिन लोगों ने फिज़िक्स में काम किया है, जिन लोगों ने दुनिया के कवानीन को समझने की कोशिश की है, उनके लिए एहतराम होता है, सही है, और वो अदब से उनको याद करते हैं और उनका एहसानमंद होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं कि उन्होंने ये काम किया, ना कि आप बोलो कि यार न्यूटन पता नहीं क्या था, हमें फंसा के चला गया, ऐसा ख्याल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही कहना चाहिए कि न्यूटन ने हमारे लिए बहुत सारा काम किया। तो न्यूटन एक साइंटिस्ट है, 17 साल की उम्र में उसने 17 साल की उम्र में उसने एक बहुत बड़ा कानून पेश किया दुनिया के सामने, दरियाफ्त करके, न सिर्फ पेश किया बल्कि उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस भी की, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लॉ, भी हम पढ़ेंगे किसी चैप्टर में जाके उसे, तो ये बहुत बड़ा कारनामा था, बहुत ज़हीन आदमी था न्यूटन, और उसने फिज़िक्स की बेसिक्स बनाने के लिए और हरकत को समझने के लिए और हर फील्ड में, मतलब फिज़िक्स की हर फील्ड में, चाहे उसका ताल्लुक वेव से हो, उसका ताल्लुक लाइट से हो, उसका ताल्लुक हरकत से हो, उसका ताल्लुक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से हो, हर एक को समझने के लिए न्यूटन ने अपने रोल को प्ले किया, उसने अपनी सलाहियतें, और मैथमेटिकल जहन था उसका बहुत, जहनी तौर पर मैथमेटिक्स में वो बहुत माहिर था, वो हर चीज़ को फार्मूलेटेड करने की कोशिश में उसने बेशुमार कानून बनाए हैं, पेश किए हैं, हम उसमें से 3 कानून यहाँ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी वो जो हरकतें दुनिया में हो रही हैं, उसने कहा जो हरकत हो रही है इसमें 3 कानून हैं जो छुपे हुए हैं, जितनी भी हरकतें होती हैं उसमें 3 कानून अप्लाई होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये 3 कानून समझ में आ जाएं तो आप बहुत सारी गाड़ियों की हरकत को बआसानी समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन का पहला कानून, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हरकत का पहला कानून, ये किसने पेश किया? न्यूटन ने बनाया, न्यूटन ने या न्यूटन ने दरियाफ्त किया? यह आप बात याद रखिएगा, फिजिक्स के कानून बनाए नहीं जाते, फिजिक्स के कानून पहले से मौजूद हैं इस कायनात में, आप उसकी तशरीह करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन कहता है कि अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो वह हमेशा 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 हरकत में ही रहेगा, और अगर कोई जिस्म रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वह हमेशा 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 ही रुका रहेगा जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। हरकत करता हुआ जिस्म हरकत ही करता रहेगा, रुका हुआ जिस्म रुका हुआ ही रहेगा, कब तक? जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाएं। अगर आप रुके हुए जिस्म पे फोर्स लगाएंगे तो रुका हुआ जिस्म हरकत करने लग जाएगा, हरकत करते हुए जिस्म पे फोर्स लगाएंगे मुखालिफ में तो वो रुक जाएगा। अगर फोर्स ना लगाएं, आप फोर्स की बात मत करें, तो हरकत करता हुआ जिस्म हमेशा हरकत करेगा और रुका हुआ जिस्म हमेशा रुकेगा। ये बात समझ आ रही है आपको? समझ में आती है बात?
मानते हैं इस बात को कि हरकत करता है जिसम हमेशा हरकत करता रहेगा, ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हरकत कर रहा हो तो हमेशा ही हरकत करता रहेगा? हाँ ऐसा होता है, रुकता वो इसलिए है कि उस पर कुछ फोर्स लग रही होती है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, आप एक बॉल लें, उसको हम बाहर जाके मट्टी है उसमें फेंकें, एक खास फासले तक जाके वो रुक जाएगी, ठीक है। अब वही बॉल लेकर आए और रोड पे फेंकें उसी स्पीड से, अब आपका क्या ख्याल है कि ज्यादा देर तक दूर तक जाएगी या कम दूर तक जाएगी? ज्यादा दूर तक जाएगी, ठीक है भाई। तो हमने क्या मिसाल दी कि आप अपने उसको रोड पे फेंका तो रोड पे वो ज्यादा दूर तक जाएगा, फिर आप उसी बॉल को ले आए और जो फर्श है संगमरमर का उस पर फेंकें, अब क्या होगा? और दूर तक जाएगा। अब आप उसको शीशा बिछा लें, शीशा बिल्कुल, और उस पर फेंकें उसे, अब क्या होगा? ज्यादा दूर तक जाएगा। सही, इसका मतलब ये है कि जब मट्टी में आप फेंक रहे हैं तो मट्टी और उस बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन है, रगड़ है, वो ज्यादा है, वो रगड़ उसको रोक रही है। जब आपने रोड पे फेंका तो रगड़ थोड़ी क्या कर दी, कम कर दी, तो हरकत उसकी बढ़ गई। फिर आपने उसको संगमरमर पे फेंका तो आपने रगड़ कम कर दी, यानी फोर्स कम कर रहे हैं आप, वो फोर्स जो उसको रोक रही है तो और दूर तक जा रही है। फिर आप शीशे पे जब उसको फेंक रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? रोकने वाली फोर्स और कम कर रहे हैं, ज्यादा और दूर। अगर आप ये फोर्स बिल्कुल ही खत्म कर दें, ऐसा होगा स्पेस में, कहाँ होगा? स्पेस में अगर आप कोई चीज ऐसे फेंकेंगे तो आपके हाथ से जिस वेलोसिटी से वो निकलेगी उस वेलोसिटी से वो मुसलसल चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाली चीज वहां पर कोई ना हवा है, ना जमीन की रगड़ है, ना कोई दूसरी चीज है। तो अगर वो हालत हरकत में होगी तो हमेशा हरकत में ही रहेगी। अगर कोई जिस्म हालत हरकत में है तो हमेशा हालत हरकत में रहता है, अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहता है, बशर्ते ये कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे बोलेंगे आप, इन द एब्सेंस ऑफ, यानी एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में जो मोशन वाला बॉडी है वो हमेशा मोशन में रहेगा और जो रेस्ट वाला बॉडी है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो हरकत करता हुआ जिस्म है वो हमेशा हरकत करता रहेगा और जो रेस्ट वाला जिस्म है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। ये कौन कहता है? न्यूटन कहता है। किस कानून? पहले कानून। वो कहता है दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट हैं वो इस कानून की पाबंदी करते हैं, अगर वो हरकत करेंगे तो हरकत ही करते रहेंगे, अगर वो रुके हुए तो वो रुके हुए रहेंगे, बशर्ते कि उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो हरकत करता हुआ जिस्म रुकेगा, ये रुका हुआ जिस्म हरकत करेगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो फिर अगर वो हरकत में है तो हमेशा हरकत में रहेगा, अगर वो रुका हुआ है तो हमेशा रुका हुआ रहेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? इसी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, का क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को उर्दू में कहते हैं जमूद। क्या कहते हैं? जमूद का कानून। ठीक है, इसी लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और इसको बयान करने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, आप ऑब्जेक्ट के लिहाज से सोचते हैं। हर ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि अगर वो हालत हरकत में है तो हरकत में रहे, हर ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि वो हालत सुकून में है तो सुकून में रहे, और अगर हम उसकी हालत को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा। क्या करेगा? जैसे ये देखिए डेस्क है, रेस्ट में, अब मैं इसकी हालत बदलना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? बदलने का मतलब ये कि मैं इसको रेस्ट में लाना चाहता हूँ, तो रेजिस्ट कर रही है, इतनी आसानी से अपनी हालत को बदलने नहीं दे रही, रेजिस्ट कर रही है ना, तो आसानी से बदलने दे रही है, जान लगानी पड़ रही है मुझे, तो ये रेजिस्टेंस पाई जा रही है इसमें। हालत की तब्दीली के खिलाफ
रेजिस्ट करती है हर चीज। हालत दो हालतें होती है, एक तो रेस्ट की हालत और एक मोशन की हालत। अगर कोई गाड़ी चली आ रही है मैं उसको रोकूंगा, एकदम रुक जाएगी, रेजिस्ट करेगी, रुकते रुकते रुकेगी। तो हर ऑब्जेक्ट ये चाहता है कि वो जिस हालत में है उसी में रहे। अगर उसकी हालत को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस पेश करेगा। ये सलाहियत, रेजिस्टेंस पेश करने की सलाहियत को आप क्या कहते हैं? जमूद। अगर कोई जिस्म रेस्ट में है और हम उसे किस में लेकर आ रहे हैं? मोशन में, तो वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस पेश करेगा। कोई अगर मोशन में है और हम उसे किस में ला रहे हैं? रेस्ट में ला रहे हैं, तो क्या पेश करेगा? रेजिस्टेंस पेश करेगा। ये जो रेजिस्टेंस की सलाहियत किसी ऑब्जेक्ट में होती है उसे आप क्या कहते हैं? इनर्शिया। और इसका इंसार मास पे होता है। किस पे होता है? मास पे। जैसे ये डेस्क है, ये रेजिस्टेंस पेश कर रही है, ठीक है, इस पे दो बच्चे और बिठा दूं मैं और दोबारा से इसकी हरकत देने की कोशिश करूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि मास बढ़ गया। समझ में? मास कम होगा रेजिस्टेंस कम होगी, मास ज्यादा होगा रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ये रेस्ट वाली बात तो समझ में आ जाती है, मोशन वाली नहीं आती। मैं अगर आपसे ये कहूं कि ठीक है, ये मिसाल दूं मैं आपको, ये एक आपके पास बड़ा ट्रक है, बस है, और ये आपके पास एक कार है, ये आपके पास क्या है? कार है। ये बस है, ये कार है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास, दोनों ऐसे आ रहे हैं और ये लाइन हमने खींची हुई है, दोनों की स्पीड 50 है। दोनों की स्पीड क्या है? इसकी स्पीड भी 50 है, इसकी स्पीड भी 50 है। समझो दोनों सेम भाग रहे हैं। यहां पर इस लाइन पे पहुंच के दोनों अपना इंजन बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंजन। अब बताइए, ये भी रुकते रुकते रुकेगी और ये भी रुकते रुकते रुकेगी, कौन ज्यादा दूर जाके रुकेगा? कौन ज्यादा दूर जाके रुकेगा, कार या बस? कार ज्यादा दूर जाके रुकेगी या बस ज्यादा दूर जाके रुकेगी? जी, जब मैं कह रहा हूं ये दोनों किस्में हरकत में 50 की स्पीड से, और अब ये रुक रहे हैं, कौन रोक रहा है इनको? कोई फोर्स है जो रोक रही है। ये रुकना चाहता है, रेजिस्टेंस पेश करेगा, ये भी पेश करेगा, ये भी पेश करेगा। रेजिस्टेंस कौन ज्यादा पेश करेगा? बस इतने आसानी से नहीं रुकेगी, तो वो ज्यादा दूर जाएगी, ये कम दूर जाकर रुक जाएगी। कार जल्दी रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि उसमें हरकत के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है, जो उसे रोकना चाह रही है, उसमें इनर्शिया ज्यादा है। हरकत के खिलाफ रेजिस्टेंस वो ज्यादा पेश कर रही है, वो फोर्स जो उसको रोक रही है ना, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पेश कर रही है। तो मास ज्यादा होने की वजह से इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वो देर में जाकर रुकेगी, इतनी आसानी से नहीं रुकेगी। ये लड़कों ने ये तजर्बा किया होगा, आप मोटरसाइकिल पर अकेले जा रहे हो, ब्रेक मार लो लग जाएगा, आप चार बिठा लो अपने साथ, दो तीन बिठा लो मोटे मोटे, अब आप उसी स्पीड से भगाओ, अब आप ब्रेक जाम मारोगे, वहां नहीं रुकेगी गाड़ी, गाड़ी रोकना क्या होगा? मुश्किल होगा। इसलिए कि आप भी हरकत में हो, दूसरे जो पीछे बैठा वो भी हरकत में है, जो उससे पीछे बैठा वो भी हरकत में है, अब तीन आदमी हरकत में, तीनों को रोकना है। पहले कितने हरकत में थे? एक गाड़ी हरकत में थी, एक आप हरकत में थे, तो इनको ही रोकना था। अब किनको रोकना है? गाड़ी भी और तीन लोगों को भी। तो मास ज्यादा होने की वजह से उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी और उसकी हरकत करने की एबिलिटी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि इसमें इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया का इनसार किस पर होता है? मास पर होता है। ये बात समझ गई? मिसाल आपको जहन में रखनी है। तो कानून क्या है? हर ऑब्जेक्ट अपनी हालत की तब्दीली के खिलाफ रेजिस्टेंस पेश करता है, इस कानून को जमूद कहते हैं। हर चीज अपनी हालत की, जब मैं कह रहा हूं हालत, तो मैं दो चीजें मेरे जहन में, एक तो हरकत और एक सुकून, रेस्ट और मोशन, हालत की तब्दीली के खिलाफ रेजिस्टेंस पेश करती है। हर चीज अपनी हालत की तब्दीली के खिलाफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द चेंज ऑफ स्टेट,
एबिलिटी टू रिजिस्ट अगेंस्ट द चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब हालत, हालत की तब्दीली के खिलाफ जो रेजिस्टेंस पेश करेगी कोई ऑब्जेक्ट, हम कहेंगे उसमें जमूत पाया जाता है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ये और ये एक ही हैं। इसको आप किस लिहाज से देख रहे हो? अगर कोई जिस्म हालत हरकत में है, कोई जिस्म एक्सटर्नल फोर्स के बगैर हमेशा हमेशा हरकत में रहता है, हमेशा हमेशा रेस्ट में रहता है। ये कह रहा है कानून। ये क्या कह रहा है? हर जिस्म अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, मोशन में तो मोशन में होता है। अगर उसकी हालत को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो वो रेजिस्टेंस पेश करेगा। इसमें रेजिस्टेंस का लफ्ज इम्पॉर्टेंट है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। इसमें ये कि एक्सटर्नल फोर्स के बगैर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अगर हरकत में होगा तो हमेशा हरकत में रहेगा, अगर रेस्ट में होगा तो हमेशा रेस्ट में होगा। ये बातें समझ में आ गई? अच्छा, ये लफ्ज होता है ना जमूत, हम उर्दू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जमूत को हम कहते हैं माशरे पर जमूत तारी है, उर्दू में कहते हैं माशरे पर जमूत तारी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि माशरे को जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो माशरा रेजिस्टेंस पेश करता है, ये आसानी से नहीं बदलता। अक्सर लोग कहते हैं इस माशरे का कुछ नहीं हो सकता, इस माशरे पे जमूत तारी है। आप जब भी इसको बदलने की कोशिश करोगे ये उल्टा आप ही के खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। सही है? तो जमूत अच्छा भी है और बुरा भी है। ये मैं फिजिक्स के लिहाज से नहीं बोल रहा, अब अखलाक की बुनियाद पर कह रहा हूँ। जमूत अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इस लिहाज से है कि अगर आप बुराई आ रही है आपके माशरे में और आप उसके खिलाफ डट के खड़े हो गए, हालत को नहीं बदलना चाह रहे, तो ये जमूत अच्छा है। लेकिन अगर अच्छाई आ रही है और आप में बुराई है तो आप बुराई में चिमट के रह गए, अच्छाई को कबूल नहीं कर रहे, तो ये जमूत बुरा है। तो माशरा जो है वो जमूत का शिकार होता है, उसको देखना चाहिए कि वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है जमूत के लिहाज से या नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई?